हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द मेडिको। आज का वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज आज मेरा घर पे फर्स्ट डे है आफ्टर 8 मंथ्स। मैं 8 मंथ्स के बाद घर पे वापस आई हूँ फ्रॉम माय हॉस्टल एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। लिविंग इन नॉर्थ इंडिया यू कैन रिलेट विद मी, क्योंकि अभी मार्च में भी काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। एंड ये है मेरी स्टडी टेबल जिस पे स्टडी करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आफ्टर 8 मंथ्स। एंड आज का जो प्लान है ना वो कुछ इस तरह है कि मैं ना बायो में ना पूरी की पूरी यूनिट कंप्लीट करने वाली हूँ और साथ में अगर मुझे टाइम मिला तो मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा या तो फिजिक्स का या केमिस्ट्री का कोई चैप्टर कर लूँगी। सो आज मैं ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स वाली जो सेकंड यूनिट है ना ये पूरी की पूरी यूनिट कंप्लीट करने वाली हूँ। एंड आगे इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में शेयर करूँगी कि लास्ट 2 मंथ्स के लिए ना मेरा भी क्या प्लान है, मैं किस तरीके से अपनी रिविजन जो है वो प्लान करूँगी एंड किस तरीके से मैं मॉक टेस्ट दूंगी। बट बिफोर ऑल दिस लेट्स स्टार्ट टूडेज फर्स्ट स्टडी सेशन जिसमें मैं कर रही हूँ मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर। इस चैप्टर को मैं ऑलरेडी आप सबको पता है कर चुकी हूँ, बट अभी जैसे कि मेरी रिविजन है सो रिविजन के टाइम ना मैं इसे एकदम थॉरली रीड नहीं करूंगी, वो सब मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। मैंने जो भी हाइलाइट्स किए हुए हैं या फिर जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं ना कौन सी लाइन से कहाँ से वो सब मैं यहाँ से करूंगी। एंड इसके साथ साथ ना मैं अपने नोट्स के थ्रू भी करूंगी बिकॉज मैंने नोट्स में ना बहुत ही क्रिस्प तरीके से जो भी इसके एग्जाम्पल है या फिर जो भी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो सब मैंने उसमें लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से मैं रिविजन करते जाऊंगी। एंड लास्ट 2 मंथ्स का अगर आप मेरा प्लान पूछोगे ना तो वो यही है कि मैं साथ के साथ है ना चैप्टर करूंगी, उसके बाद उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी। एंड अभी मार्च की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ ना तो इस पूरे मार्च में ना मैं सारा का सारा सिलेबस ना पूरा रिवाइज करने वाली हूँ, लाइक मेरी एक रिवीजन पूरी हो जाएगी। एंड अप्रैल के मंथ में रिवीजन तो साथ के साथ चलेगी बट उसके साथ साथ ना मैं हर हफ्ते में 2 से 3 मॉक टेस्ट देने का भी ट्राई करूंगी। अभी मैं 1 मॉक टेस्ट दे रही हूँ एंड अप्रैल में ना मैं 2 से 3 मॉक टेस्ट कर दूंगी, क्योंकि जो मैं ऑफलाइन टेस्ट देती थी वो अभी यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैं जितना ऑनलाइन टेस्ट दे पाऊंगी ना मैं वो दूंगी एंड उसके बाद उसका पूरा रिवाइज करना कि आपने कहाँ क्या मिस्टेक की है, क्या एनालाइज करना जो भी रहता है वो सब करने में मुझे अलग से 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो जिस दिन मैं टेस्ट देती हूँ ना उस दिन मेरा रिवीजन नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं पूरे हफ्ते में यानी कि अगर मैं 6 डे रिवाइज कर रही हूँ ना तो मैं लास्ट के दिन पे जो भी मैंने रिवाइज किया है ना मैं उसका मॉक टेस्ट दे दूंगी। सो ये जो स्ट्रेटेजी है ना ये मेरी लास्ट के 2 मंथ्स होने वाली है। एंड अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ ना तो अगर आप नीट के लास्ट 5 ईयर्स के पेपर देखोगे ना तो आपको एक पैटर्न का चेंज देखने को मिलेगा। अगर आप पहले की बात करो तो पहले सेक्शन भी नहीं था, अभी सेक्शन भी इंक्लूड हो चुका है। एंड लास्ट के 1-2 साल के आप क्वेश्चन के पेपर देखोगे ना तो आपको समझ आएगा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चंस हैं और ग्राफ बेस्ड सीक्वेंस वाले जो क्वेश्चंस हैं ना वो इंक्रीज हुए हैं। एंड इस साल और चांस है कि ऐसे क्वेश्चंस और आएंगे क्योंकि नीट का जो सिलेबस है ना वो 97 चैप्टर से 79 चैप्टर्स कर दिया है और जो क्वेश्चंस है वो तो एनसीईआरटी से ही बनने हैं एंड जो कट ऑफ है वो हर साल ऊपर जा रही है। एंड 1 मार्क्स पे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लैश कर रहे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी ना न्यू टाइप्स के जो क्वेश्चंस है ना उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एंड जो सारे मैंने आपको टाइप्स बताए ना इन सबकी 1-स्टॉप सॉल्यूशन प्रैक्टिस हो सकती है बाय नीट एसेंशियल ऐप के AR पावर अप कोर्स से, जिसमें ना टोटल 2500 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स इंक्लूडिंग फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हर एक क्वेश्चन का डिटेल ऑडियो वीडियो एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है और साथ ही साथ ना टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। एंड जिन क्वेश्चंस को बाद में अटेम्प्ट करना है या री अटेम्प्ट करना है ना उसे आप इजिली बुक मार्क कर सकते हो। एंड ये सब ना आपको नीट 2024 तक सिर्फ 749 रुपीज में अवेलेबल है, आप इसमें एनरोल करवा सकते हो। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2025 ना देन यू कैन टेक दिस सब्सक्रिप्शन इन 1249 रुपीज ओनली। सो नाउ यू कैन प्रैक्टिस असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, सीक्वेंसिंग क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। ये 5 टाइप्स के जो क्वेश्चंस है ना उनका 1-स्टॉप सॉल्यूशन है ये ऐप। सो इसमें ना आप न्यू टाइप्स के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। सो मैं ना इसका लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ जाके ना आप नीट एसेंशियल ऐप को फटाफट से डाउनलोड कर लो एंड फटाफट से जो न्यू टाइप के क्वेश्चंस है ना इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। सो आफ्टर डूइंग क्वेश्चन प्रैक्टिस ना मैं कर रही हूँ लंच। लंच में मैं खा रही हूँ घर पे बना हुआ मम्मी के हाथ का खाना। बहुत दिनों बाद एकदम ऐसा नॉर्मल सा मम्मी के हाथ का खाना खाया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड उसके बाद थोड़ी सी मैंने नींद ली बिकॉज कल मैंने ट्रैवलिंग की थी, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा अजीब सा फील हो रहा था। एंड अगेन मैंने जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट कर दिया है। अभी मैं फटाफट से ये चैप्टर कंप्लीट कर लेती हूँ, इसके बाद मैं करूँगी आज का नेक्स्ट टास्क।
सो मेरा एनाटॉमी वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अभी मुझे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल वाला चैप्टर करना है। छोटा सा चैप्टर है ये, ज़्यादा डिटेल इसमें कुछ है नहीं ऐसा, तो इसे फटाफट से कंप्लीट करते हैं एंड देन अगर टाइम बचा तो मैं एक और चैप्टर कर लूँगी। सोने से पहले आई थॉट कि मुझे फिजिक्स से भी एक चैप्टर कर ही लेना चाहिए, बिकॉज सिर्फ बायो ही आज हुई है तो मुझे थोड़ा सा गिल्ट ना हो, इस वजह से मैंने फिजिक्स का भी एक चैप्टर कर लिया। एंड कल ना मैं सारे फिजिक्स के जो भी मेरे फॉर्मूलाज हैं ना उसको एक नोटबुक में लिखूंगी एंड उस फॉर्मूला नोटबुक को ना मैं लास्ट के 2 मंथ में अच्छे से रिवाइज करूंगी, बिकॉज फिजिक्स में फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड फिजिक्स में ना जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना वो साथ के साथ, जैसे कि मैं चैप्टर कर रही हूँ इसी के साथ कर रही हूँ। इसमें ना मैंने जो भी मेरे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर ऐसा क्वेश्चन है या ऐसा फॉर्मूला जो हर बार पूछा जा रहा है वो सब मैंने इसमें लिखा हुआ है। साथ के साथ मैं इसकी रिवीजन कर रही हूँ एंड इसके बाद मैं सोने जाऊंगी एंड कल जो भी मेरा स्केड्यूल रहेगा वो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। तो अभी फटाफट से इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फाइनली आई हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर। अभी मैं सोने जा रही हूँ। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से स्टडी करते रहो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।